आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। बेटा जैसे कि आपको मालूम है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 10, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। वी हैव क्लियर ऑल द थ्योरी ऑफ इट दिस चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एमसीक्यूज हो चुके हैं जी हमारे। नाउ वी हैव टू डू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड रिव्यू क्वेश्चंस। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 17, देयर वी हैव आवर रिव्यू क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वी विल सी व्हाट आर दे आस्किंग अस। सो बेटा आपके ये हम देखते हैं जी। हमने बेटा इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन रिव्यू किए थे, आज बकिया देखते हैं। बकिया में उन्होंने क्या पूछा, ऐसे करवाने वाला कुछ नहीं है, जो करवाने वाला होगा वो करवा दूंगा। Here we have our question 10.4. उन्होंने क्या पूछा, how can you define the term wave, elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves, give example of each। बेटा आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी वेव्स के स्ट्रक्चर के बाद। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहा है। सो ये वही उन्होंने पूछा होगा, वेव आपने डिफाइन करना है जी। उसके बाद डिफरेंस उन्होंने पूछा होगा, आपने डिफरेंस पूछा लाइन लगानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल डेफिनेशंस एग्जांपल्स, बस इधर आपका क्लियर हो जाएगा। इतना आपको बेटा शॉर्ट नहीं आएगा, लॉन्ग। एक्चुअली ये लॉन्ग में आपका आया होगा बोर्ड में, सो इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। या लॉन्ग में 10.5 भी आया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश का भी बेटा मतलब होता है फर्क करना, डिफरेंस करना। डिस्टिंग्विश या डिफरेंस हमने दरमियान में लाइन लगा के करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। बेटा देखे आप इधर, उन्होंने दोनों की एग्जाम्पल्स पूछी आपकी बुक में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऐसे कोई प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको करवाई हुई है, आपके लेक्चर देख लें, आपको प्रॉपर मैंने लॉन्ग करवाया हुआ है, और वो लॉन्ग मैंने आपको डिफरेंस की सूरत में करवाया था, तो वैसे ही ये अटेम्प्ट करना है। हाँ जी जी, अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 10.6 देखते हैं। उन्होंने क्या, There they are asking us draw transfer waves with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm, label a crust and trough on the wave। उन्होंने क्या, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव बनानी है, ट्रांसफर वेव बनानी है जी। ट्रांसफर वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं जी। उन्होंने क्या, वेव होनी चाहिए ट्रांसफर वेव। 10.6 उन्होंने क्या, एक ट्रांसफर वेव बनानी है, उसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और क्रस्ट और ट्रफ लेबल करना। अच्छा बेटा ये कैसे, आपने ना, मैं अब प्रॉपर मेजरमेंट करके तो नहीं कर रहा, आपने मेजरमेंट करना है क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट दी है। ये लें जी, ये आपने बना दी वेव, इतनी सी वेव काफी है। अब बेटा आपकी यहां से लेके जो यहां तक की आपका डिस्टेंस है ना, ये आप, ये वेवलेंथ होते हैं ना, टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ और रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन, इधर क्रस्ट ट्रफ के, यहां से यहां का डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बेटा आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनकी सूरत में बेटा ऐसे वेव होते हैं ना, सिंपल पेंडुलम जो उनसे हमने किया था, उधर एम्पलीट्यूड इतना होता था ना, यानी इधर जाके फिर वापस इधर आता है, इतने को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ वेव्स ऊपर जाती है और नीचे जाती हैं, सो ऊपर से एंड तक का डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड नहीं होगा, इसका जो आधा डिस्टेंस होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। ओसा आपको क्लियर हुआ होगा ये आपने, मैं हाँ जी। और क्रस्ट बता देना, ये जी आपका क्रस्ट है हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट पर, और ये जी आपका ट्रफ है। ये लें जी, हियर वी हैव सॉर्ट आउट आवर क्वेश्चन 10.6। कोई नहीं, मजे का क्वेश्चन था जी। Now I'll see question 10.7. Derive a relationship between velocity, frequency and wavelength of the wave. Write formula relating velocity of a wave to its time period and wavelength. बेटा रिलेशन को क्या कहते हैं, वो वेव इक्वेशन, वो सारा जो वेव इक्वेशन वाला ना, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी, आपकी अलहदा से उस पर वीडियो बनी हुई है, वो आप निकाल लेना जी। ये जो क्वेश्चन 10.7 इधर उन्होंने वो पूछा होगा, साथ में उन्होंने एक चीज पूछी हुई है कि इक्वेशन लिखे जहां पे टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते। बेटा यहां तक आपका ये करने से पहले आपको स्टेप याद हो तो हमारा ये आया था जी।
सो ये टाइम पीरियड है, ये हमारी वेवलेंथ और ये वेलोसिटी ऑफ द स्पीड है। सो ये दो इक्वेशंस उन्होंने पहले ही पूछी हुई है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी में का रिलेशन, और फिर उन्होंने पूछी है वेलोसिटी वेवलेंथ और टाइम पीरियड का रिलेशन। सो ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को प्रोमिनेंट करना है, बाकी ड्राइव आपने पूरी करनी है। जैसे लॉन्ग में आपको प्रिपेयर कराया वैसे लॉन्ग में, अगर शॉर्ट में पूछेंगे तो शॉर्ट के लिए हासिल कीजिएगा। Waves are means of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of a simple experiment. बेटा waves as energy carrier करवाया था ना, यहाँ वो वाला पूरा लिखना, long question 10.8 भी हो गया। 10.9 explain the following properties of waves with reference to ripple tank experiment, reflection, refraction and diffraction. देखिए बेटा अभी तो उन्होंने रिपल टैंक के लिहाज से पूछा, तो पहले आपने इन तीनों को डिफाइन कर देना, फिर अकॉर्डिंग टू रिपल टैंक जो सा मैंने आपको कराया था ना वो वाला लिख लेना जी। हाँ जी 10.10 देख लेते हैं जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है 10.10। देर आर आस्किंग अस कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो उससे क्या आपकी वेवलेंथ भी बढ़ जाती है, और साथ ही वो पूछ रहे हैं अगर नहीं, ऐसा अगर नहीं होता तो ये दोनों क्वांटिटीज कैसे रिलेट करती हैं। अच्छा जी, तो हम कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लिखना नो इंक्रीजिंग वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डजंट इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। उन्होंने पूछा देन हाउ क्वांटिटीज आर रिलेटेड, ये ना पूछे, यहां तक लिखे ना, फिर भी आपने ये रीजनिंग देनी है। रीजनिंग क्या है, v is equal to f lambda होता है जी, उन्होंने किसका रिलेशन पूछा, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी एक साइड पर रहने दे, लैम्डा को दूसरी साइड पर ले आते हैं जी। और बेटा हम ना वेलोसिटी कांस्टेंट कर लेते हैं, यानी वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट कर लिया। अच्छा कांस्टेंट कर लिया, फिर कांस्टेंट अगर की जगह इज इक्वल आते तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करें तो उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है जी। कांस्टेंट हमने रखते हैं तो v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इनके दरमियान ये रिलेशन है, हम लिखेंगे हम लिखेंगे जी, सो बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, एंड दीस क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वेव। ये जी बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर था। होप सो बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर की समझ आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।